खेलो इंडिया 10 कदम महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी की मुहिम है उसके तहत ये टूर्नामेंट खिलाया जा रहा है। इसमें अजमेर डिस्ट्रिक्ट की 12 टीमें महिला वर्ग की बच्चियां खेल रही है और ये एक टैलेंट सर्च के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा इन बच्चियों को साई के सौचन्य से, और फेडरेशन ने जिम्मेदारी राजस्थान खो-खो संघ को दी थी और राजस्थान खो-खो संघ ने दयानंद महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में इसको आयोजित किया है। तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितने दिन तक चलेगा ये प्रतियोगिता? नॉकआउट सिस्टम पे खेली जा रही है और एक दिन ये प्रतियोगिता चलेगी। सभी खिलाड़ियों को जो भी इसमें मेडल जीतेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, और साथ ही जो लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उन सबको रहने की खाने की और सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मेडल के साथ प्रदान किए जाएंगे। इसमें गर्ल्स ही गर्ल्स केवल महिला सशक्तिकरण पर जो महिला दिवस मनाया जा रहा है ये पूरा वीक चलेगा जिसमें 10 गेमों को जोड़ा है, उसमें से एक गेम है खो खो, तो इसकी तहत पे उसकी तर्ज पे ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। कौन-कौन चीफ गेस्ट थे? आज के हमारे मुख्य अतिथि थे प्राचार्य दयानंद महाविद्यालय और अध्यक्षता करी थी हमारे खेल अधिकारी ओम प्रकाश बारिया जी ने, और विशिष्ट अतिथि के रूप में साई गांधीनगर से आए मितुल दास और ओम प्रकाश जी जो जयपुर से आए साई कोच हैं, इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपका नाम? डॉक्टर असगर अली, आयोजन सचिव। ये सर देखिए, ये जो अपने वुमेन्स डे सेलिब्रेशन है 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है, उसके तहत ही भारतीय खेल प्राधिकरण ने खो खो गेम को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में ये अजमेर शहर में दयानंद कॉलेज में इस टूर्नामेंट को आयोजित किया गया है और इसमें 10 टीम अभी हिस्सा ले रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं पीछे मैच चालू है। और ये बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, जितने भी अपने गर्ल्स खिलाड़ी हैं, गर्ल्स एथलीट है, वो अपने आप को साबित करने के लिए कि उनके अंदर भी दम है, कहीं दबना नहीं है। जो अपने प्रधानमंत्री का मोटो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके तहत भारतीय खेल प्राधिकरण ने के देख रेख में हम लोगों ने ये आयोजित किया, आप देख सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नितुल दास है, मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गांधीनगर सेंटर में एज ए खो खो कोच हूँ।